और आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में 486 शराब की दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित हो रही है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अल्कोहल भी शामिल किया है और उसके चलते शराब के थोक और फुटकर विक्रेताओं के लिए खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है। जिले में देसी शराब की 291, विदेशी शराब की 163 और 137 बियर की दुकानें हैं। इसमें से कुल 105 दुकान के संचालकों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने जल्द ही लाइसेंस न लिए जाने पर उचित कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी के फिरोजाबाद से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बिना लाइसेंस के 486 शराब की दुकानें चल रही है और इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है शराब दुकान वालों को, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, शासन का आदेश है कि जो भी आबकारी की दुकानें हैं उनको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी लाइसेंस लेना है और इसके लिए शासन स्तर से पत्र भी जारी हो गया है और सारे जिलों में लाइसेंस की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। वर्तमान में कुल लगभग 485 दुकानें, जिसमें से 105 दुकानों का लाइसेंस अभी तक पूरा हो गया है और अंतरविभागीय समिति में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे जिला आबकारी अधिकारी को कि उनके करके समन्वय स्थापित करके इन दुकानों को प्रेरित करके और इनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी कराए जाएंगे।